नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि भाई आपकी वजह से काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, थैंक्स फॉर अपडेट। देखिए, मुनाफा और प्रॉफिट लॉस एक अलग चीज है, वो आपको आपकी वजह से ही होता है, हमेशा मेरी वजह से कभी नहीं होगा। अगर आप मेरे कहने से खरीद रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो ये टोटली आपका, मतलब आपका अपना व्यू था और आपका अपना कन्विक्शन था। अगर आपको मेरी वजह से लॉस हो रहा है तो वहां आप मुझे इंक्लूड कर सकते हैं कि 50% मेरा उसमें हिस्सा हो गया कि भाई मेरी वजह से लॉस हुआ, क्योंकि शायद आपको उस शेयर के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन मैंने बताया तो आपके नजरों में आया और 50% आपने अपनी वजह से लॉस किया क्योंकि आपने सही से चेक नहीं किया होगा या तो। ठीक है, तो जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा तब तक तो पैसा बनेगा ही नहीं। बट मेरा मेन मोटिव रहता है अपडेट देना, मेरा मेन मोटिव रहता है जो मुझे दिख रहा है वो आपके साथ शेयर करो। अब शोभा लिमिटेड के स्टॉक पे मैंने जब वीडियो बनाई थी तो 5% डाउन था, अभी 11% टूट गया है और क्लियर आपसे बोला था। वैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूं कि होल्ड कर सकते हैं, बट यहां तो मुझे सब चीज नेगेटिव दिख रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो छापेमारी है, ये इस स्टॉक के लिए ट्रिगर हुआ है गिराने के लिए। इस शेयर के वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई ट्रेड कर रहे हैं। मैंने 50 के वैल्यूएशन पे भी इसको जो ट्रेड करा के देख रहा हूं तो 400 रुपए का भाव निकल के आ रहा है और एवरेज पीई इंडस्ट्री का तो नीचे है ही है। जो दिग्गज डीएलएफ जैसे वो भी 48 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं और एक्चुअल में शोभा लिमिटेड के खुद के मल्टीपल्स देखूंगा मैं अगर 5 साल के, तो वहां देख पा रहा हूं मैं 10, 15, 20 इस तरह पी पे ट्रेड करता है और वो अभी 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि वैल्यूएबल है ही नहीं। तो ये सब चीज मुझे बहुत नेगेटिव दिखी तो मैंने आपके साथ शेयर करा। और मेरे पास ये स्टॉक इसलिए आया क्योंकि जब मैंने देखा आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी है तो सब कुछ चेक करा मैंने, तो वो एक कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट बैठ गया एंड स्टॉक में काफी अच्छा आप लोगों ने पैसा बचाया होगा मेरे हिसाब से, और जिन्होंने शॉर्ट करा उन्हें बनाया भी होगा। एक्चुअली में मैं आपको ठीक बताऊं तो मैं इसे देख रहा था क्या ये एफएनओ में है, अगर होता तो दूर की एक पुट खरीदने की राय में अपनी एप्लीकेशन पे भी डालता एंड खुद भी ट्राई करता, बट मैंने चेक करा तो एफएनओ में मुझे ये स्टॉक मिला नहीं एक्चुअली में, तो एफएनओ में ये स्टॉक है नहीं आई थिंक, या तो मैंने इसका कहीं ना कहीं कोड गलत डाला है। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये एफएनओ में है या नहीं है, बट है नहीं आई थिंक। तो ये एक अपडेट थी मेरी तरफ से। अभी बात करूंगा हिंदुस्तान जिंक। कल इस कंपनी ने 26 रुपए पर शेयर का एक बड़ा डिविडेंड दिया और ये डिविडेंड के लिए जानी जाती है। 16-17% की डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की और ये बढ़कर और ऊपर हो जाएगी अब, क्योंकि लास्ट टोटल ईयर में लगभग इस फाइनेंशियल ईयर 75 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, बहुत बड़ा नंबर है ये। और 26 रुपए का एक सिंगल कहीं ना कहीं बार में जो डिविडेंड है ये डेफिनेटली बड़ा है। जो अमाउंट है वो 11,000 करोड़ के समथिंग बैठता है और इसका भाव 317 है। तो सवाल ये क्या लेना चाहिए, तो देखिए इसका जवाब मैं दूंगा क्लियरली नहीं। मैंने आपके साथ कल एक चीज शेयर करी थी वो दोबारा कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं पैसा बनेगा आपका। मैं मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं, एक दिन में 2-3% का पैसा बनेगा आपका और उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। मार्केट में ना दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्हें खुजली होती रहती है, पैसा पड़ा है लेकिन कुछ करना है तो कुछ कर देते हैं और फिर पैसा फंसा लेते हैं, कभी मुनाफा करते हैं तो कभी लॉस करते हैं, फर्क इतना है मुनाफा इतना होता है लॉस इतना होता है। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी है उसके लिए बैठे रहेंगे, सामने आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं दूसरी कैटेगरी पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। तो मैंने यहां आपके साथ कल एक व्यू शेयर करा था वेदांता को लेकर। देखिए 11,000 करोड़ का डिविडेंड बांटा है हिंदुस्तान जिंक ने, समझने की कोशिश करना। और 65% स्टेक ओन करता है वेदांता, इस हिसाब से वेदांता के पास जाएंगे, एग्जैक्ट अमाउंट आया है तो वो है 7,100 रुपीज, लगभग 7,100 करोड़ रुपए वेदांता पे जाएगा। जैसे ही ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा 29 मार्च की, आई थिंक इन्होंने रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है, तो वेदांता के पास पहुंचेगा वो अमाउंट और फिर वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देगा एज अ डिविडेंड। और वेदांता हमेशा जो प्राइस हिंदुस्तान जिंक तय करता है उससे ज्यादा डिविडेंड देता है, क्योंकि वेदांता का और हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप छोटा है, नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेदांता की उम्मीद में लगा के चल रहा हूं 25-30 रुपए पर शेयर का। और जिस दिन मतलब कंपनी डिविडेंड देने से पहले अनाउंसमेंट देगी कि हम इस दिन बोर्ड मीटिंग करेंगे डिविडेंड को लेकर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है, जैसे हिंदुस्तान जिंक ने कहा 21 तारीख को हम बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो मैं 21 तारीख को ही शेयर खरीद लूंगा,
जो भी प्राइस होगा। सेम वेदांता जिस दिन कहेगा उसी दिन, जिस दिन उनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है उस दिन मैं खरीद लूंगा शेयर को। फॉर एग्जाम्पल वेदांता कहता है कि मैं 5 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग कर रहा हूं, मैं 5 अप्रैल को शेयर खरीद लूंगा, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी शाम को लेट नाइट जब भी होगी कि इतने रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, यानी कि अनाउंसमेंट से पहले खरीदूंगा मैं, और नेक्स्ट डेट जब वो डिविडेंड के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा प्राइस, तो वो डेफिनेटली 2-3% ऊपर निकलेगा। जैसे आज ये भी 4% ऊपर खुला था, मैंने आपसे कहा अभी था 2-4% की तेजी बनी थी। तो मैं वो डिविडेंड को ना प्ले करते हुए मैं वेट नहीं करूंगा एक्स डिविडेंड तक, फिर मेरे बैंक में डिविडेंड आएगा, इतना शेयर मेरे पोर्टफोलियो में गिर जाएगा, मेरा वो मसला नहीं है, एक दिन का खेल है मेरा। मैं नेक्स्ट डे ही स्टॉक को बेच दूंगा 3%, 2%, 4% जो भी मुझे मिलेगा गैप अप में, मैं वहां बुक करूंगा और शांति से बैठ जाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक चीज और बता दूं, जब कोई कंपनी बड़ा डिविडेंड देती है तो जल्दी से शेयर होल्डर बेचते नहीं है। अब देखिए हिंदुस्तान जिंक को कौन बेच रहा होगा आज, जो ऑलरेडी लॉस में वो नहीं बेचेगा, और कितने सारे ऐसे होंगे जो इस डिविडेंड के लिए खरीद रहे होंगे, तो ये बायर्स पॉजिटिव बन जाते हैं स्टॉक, तो जल्दी से गिरते नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे पहले भी कल भी मतलब ये चीज शेयर करी और आज भी, आप वेदांता को पकड़ लो। बाकी आप हमारे चैनल पे अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वेदांता कब लेना है कब नहीं लेना है, बट आपके साथ मैंने व्यू शेयर कर दिया और आप नोट कर लीजिए वेदांता जल्दी अनाउंसमेंट देने वाला है 29 तारीख के बाद कभी भी, कि हमारी बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर, और डिविडेंड का जो अमाउंट निकल के आएगा वो 25-30 रुपए के करीब आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो, बाकी हिंदुस्तान जिंक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डिविडेंड को प्ले करने के लिए, जिसके पास है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।